नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज की डिश सुपर हेल्दी डिश है, जिसका नाम है साबूदाना का सूप, जो कि आप फास्ट में भी यूज कर सकते हैं। साबूदाना सूप बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है एक छोटी कटोरी साबूदाना 2 से 3 घंटे तक सोक किए हुए, 1/4 कटोरी गाजर डाइस में कटे हुए छोटे साइज में, 1/4 कटोरी के लगभग शिमला मिर्च डाइस में कटे हुए छोटे साइज के, कुछ बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, 1/4 चम्मच के लगभग कुटी हुई काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच सोया सॉस, 2 ग्लास के लगभग पानी और स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले सॉस पैन में हम पानी गरम करेंगे मीडियम आंच पर, फिर इसमें हमारा साबूदाना ऐड करेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट तक पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गाजर या कैरेट और ऐड करेंगे कैप्सिकम और इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे मीडियम आंच पर ही। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते, सोया सॉस, कुटी हुई काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए आधी नींबू का रस इसमें हम ऐड करके इसे बंद कर देंगे। ये बन गया हमारा साबूदाना का सूप। और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। और धनिया के पत्ते से गार्निश कर इसे हम गरम गरम सर्व करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।